अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज जिमा व्लॉग्स। उम्मीद तो सब खैरियत होंगे, मैं भी फिट हूँ, मज़े में हूँ। आज आपको जो है बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे, भाई लॉन्ड्री का बिज़नेस कैसा है, लॉन्ड्री का जो बिज़नेस है उसका सेटअप कैसे होता है पुर्तगाल के अंदर। तो मेरी घर की मशीन ख़राब हुई हुई थी, तो मैंने सोचा नहीं बल्कि कपड़े तो धोने थे मुझे, तो मैं अपने कपड़े धोने के लिए आया हुआ था लॉन्ड्री शॉप, जो पब्लिक सेल्फ सर्विस होती है। तो मैं सोचा क्यों ना आपको एक सेटअप दिखा दिया जाए, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि लॉन्ड्री का बिज़नेस कैसा है और कैसा सेटअप होना चाहिए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, ताकि चैनल लाइव शहबाज पुर्तगाल से रिलेटेड जो डेली व्लॉगिंग होती है, लाइफ स्टाइल, लैंडस्केप कैसा है कैसा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्क्रीन पर नेम भी आ रहा है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज फटाफट से जी पहले आपको आप दिखाते हैं लॉन्ड्री बिज़नेस का सेटअप। सबसे पहले आपको मैं एरिया दिखाता हूँ, ये मेरे घर के बिल्कुल पास टूरिस्ट एरिया है। अभी तो गलियाँ कुछ सुनसान लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे सारे हॉस्टल एंड वो होटल्स वगैरह हैं। तो ये इसकी एंट्रेंस है, हम इसके अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अंदर एंटर होते ही साथ भाई कॉफ़ी मशीन लगी हुई है, आप यहाँ पर कॉफ़ी मशीन लगा सकते हैं, अपनी लगा सकते हैं, लोग आते हैं कॉफ़ी पीते हैं, गोरे स्नैक्स टाइप हैं, इसके अंदर कॉफ़ी है, पानी है, बोतलें हैं, चॉकलेट्स हैं। इधर गारबेज फेंकने के लिए बिन रखी हुई, तो दिखाना है ना आपको। तो ये चीज़ें जैसे आग बुझाने के लिए ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, लाजमी है, स्टैंडर्ड्स ये रखने पड़ते हैं ऐसे। तो ये डेकोरेशन आप देख लें किस तरह की डेकोरेशन है इसकी, यहाँ से मशीन स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो तीन मशीनें हैं भाई, ये सुखाने वाली मशीनें हैं बड़ी, ये मशीनें उनके नंबर्स लगे हुए हैं, वहाँ से ऑपरेट होती हैं उस सिस्टम से, और इस पर केजीज लिखा होता है कि ये इतने केजी की है, इतने केजी की है, कितने केजी की है। ये वाली दो बड़ी हैं, ये छोटी मशीन है, ठीक है। यहाँ पे टेबल कुर्सी पड़े हुए हैं बैठने के लिए, गंद फैंक, ये खैर ये बास्केट होती हैं, अगर वहाँ उसमें मशीनों से गीले कपड़े निकाल के आप इनमें डालें फिर यहाँ से सुखाएं। तो ये टेबल शेबल यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे गोरे लोग होते हैं, तो गोरों को उस वैसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है आपको। तो ये जी छोटा सा सेटअप है, इधर भी टेबल पड़ा हुआ है, ये इन्होंने वॉल की हुई है डेकोरेट, और ये धोने वाली मशीनें हैं, ये 16 kg वाली है, ये 12 kg की है, ये 8 और ये 8, चार मशीनें ये लगी हुई हैं, आपके भाई के कपड़े इसमें धुल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये मशीन है, इस मशीन के अंदर आप पैसे डालते हो, यहाँ से सेलेक्ट करते हो कि ये वाली मशीन है, और यहाँ पे कॉइन्स डाल सकते हैं, यहाँ पे कैश डाल सकते हैं, और नोट जो है वो 20 यूरो तक ही एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप अगर धोने आए, कोई धोता है, तो भाई इसमें पूरे पूरे पैसे आ गए, मैंने 20 का नोट डाला था 4 यूरो से, तो 16 यूरो के कॉइन्स बाहर आ गए। तो ये वैसे ही इन्हीं मशीनों के ऊपर है, बाकी प्राइस लिस्ट लिखी हुई है, 16 kg ये प्राइस है, 12 की ये, 8 की ये धोने वाले वॉशिंग मशीन है। बाकी ये सुखाने वाली मशीन जो है 16 kg की 2.20, 16 kg ये, यानी इनका सेम ही है, सुखाने वाले का सेम ही, ये सेम मशीन है, 16 kg है इसके अंदर इसकी लिमिट। तो यहाँ पर ये फ़र्क है, 16 kg के 9-10 यूरो, ऑलमोस्ट 9.5 यूरो, 12 के 7.5 है, 8 kg के 4.80, 8 kg 4.80। तो ये प्राइस लिस्ट है इनकी। ये जी लॉन्ड्री का सेटअप है यहाँ पे। अभी सेटअप कितने का लगता है ये मुझे आइडिया नहीं है, कोई मेरी फील्ड नहीं है और ना ही मैंने कभी इस पर इंटरेस्ट लिया है, बट बिजनेस भाई है अच्छा यहाँ पे। यहाँ पे हम जब मैं आया था उस टाइम पे भी 3-4 गोरे बैठे हुए थे, 2 रहे थे, यानी कि नॉर्मली आप 150-200 यूरो, अगर डिपेंड करता है एरिया के ऊपर के एरिया किस में आपने खोली हुई है। अगर रेजिडेंशियल एरिया में खोलेंगे तो रेजिडेंशियल एरिया में भी ठीक है, लेकिन अगर टूरिस्ट एरिया में हो जहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो क्योंकि लोग हॉस्टल्स में आकर स्टे करते हैं, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा लोग आते हैं अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए, गोरे तो आपको पता है हॉस्टल्स में स्टे करते हैं। और इस बिज़नेस के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो लोकेशन है। ये था जी लॉन्ड्री शॉप का सेटअप, शॉप मैंने आपको दिखा दी है, जो आप सोच रहे हैं या सोच करना चाह रहे हैं, बिज़नेस प्लान कर रहे हैं लॉन्ड्री शॉप का, तो इससे आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे किस तरह का बिज़नेस करना चाहिए। बाकी आपकी जेब पे ऊपर डिपेंड करता है अपना। बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी, अल्लाह हाफिज़।